आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को पता है ओला इलेक्ट्रिक, जब ओला नहीं चली, मतलब कैब सर्विस नहीं चल रही, तो पूरी तरह से ने फोकस कर लिया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे और गाड़ी पे, बाइक पे। और इसने रिसेंटली एयर भी लॉन्च किया है, ओला S1 एयर, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। ऐसी बात नहीं, वो भी इसकी सेल काफ़ी बड़ी है रिसेंट टाइम के अंदर में। तो ऐसे में इस चीज़ को देखते हुए ओला इलेक्ट्रिक ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो एक इलेक्ट्रिक बाइक लाने वाली है। सच में की है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप लोग जानना है ओला इलेक्ट्रिक कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लाने वाली है, क्या प्लानिंग कर रही है, तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा इन डिटेल में। तो देख लेना, ठीक है, कि ओला की बात है तो क्वालिटी और जो चीज़ है, ये चीज़ हमेशा मैटर करती है। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लाल बटन दिख रहा हो सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के उसका कलर चेंज कर देना, ताकि आपको इन फ्यूचर में जितनी वीडियोस नोटिफिकेशन है वो टाइम टाइम मिलती रहे, और आप लोग टाइम टाइम अपडेट हो जाओ कि भैया बंदा मेहनती है, डेली डाल रहा है और डेली इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसे सपोर्ट करना बनता है, तो ये सोचना जरूर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे कि हमें गवर्नमेंट काम कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओला कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर काम कर रही है, और इसने अपना रिसेंटली ओला S1 एयर लॉन्च किया है। और जो मैं बात कर रहा हूँ आपको ओला इलेक्ट्रिक बाइक की, ये ऑफिशियल है। भाविश अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था, और उस ट्वीट के अंदर भाविश अग्रवाल ने लिखा था बिल्डिंग सम, और साथ में बाइक की फ़ोटो शेयर कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि उनको किस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक पसंद है। वोटिंग के लिए इसके अंदर स्पोर्ट, क्रूजर, एडवेंचर और कैफे रेसर को इंक्लूड किया गया था। और अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब तक जो वोटिंग आई है उसमें आई है स्पोर्ट बाइक को तकरीबन 47% की वोटिंग मिली है, क्रूजर मॉडल को 27% की वोटिंग मिली है, और एडवेंचर बाइक को 15% की वोटिंग मिली है, और इसके साथ साथ कैफे रेसर को सिर्फ 10% लोगों ने पसंद किया है। इस तरह से इस पोल के अंदर 9,000 लोगों ने वोटिंग की है। हालांकि अभी तक ओला इलेक्ट्रिक बाइक की कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई है, लेकिन माना ही जा रहा है कि इसे कंपनी मौजूदा ट्रेंड के अनुसार बेहतर रेंज और किफायती कीमत में उतारने का प्रयास करेगी। बाकी तो देखने वाली बात है कि कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल इसके बारे में और क्या अपडेट देते हैं, और क्या इसके बारे में अपडेट हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको मेरे चैनल पर पता चलता रहेगा। तो अभी तो देखने वाली बात है कि ओला कंपनी इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन कब निकालेगी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों में फंसी हुई है कि भैया हमें इससे गाड़ी भी निकालनी है, बाइक भी निकालनी है, अभी और स्कूटर की भी निकालना है, क्योंकि ये अभी हर चीज़ में घुसी हुई है, तो हर चीज़ फंसी हुई है कि कैसी क्या ही करें। तो अभी सब जगह फंसी हुई है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन में वेट है कि कभी अपडेट देगी हमें, तो हिसाब से मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भैया आने वाला है या आगे है या क्या है, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चैनल पे। तो अगर आप लोग जानना है तो भैया इस चैनल पे जुड़े रहना, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर या इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग यहाँ भी कॉन्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसीलिए। और अगर आपके मन में थोड़ी सी श्रद्धा जागे, थोड़ी श्रद्धा जागे कि भैया थोड़ी सपोर्ट कर देते हैं, तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इसीलिए। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, मीठी लगी, तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो मतलब बाय बाय, टेक केयर।